संस्कृत विश्वविद्यालय के छात्र है, आज अपने समस्या को लेकर के कुलपति महोदय से मिलने के लिए गया था। बीएड के छात्र है और अभी लास्ट टर्म में इसको बताया जाता है कि तुम फेल हो गया है, तुमको फिर से परीक्षा देने पड़ेगा। इसी वजह से जो है तो ये बार बार अपना फरियाद लेकर के विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय से कह रहे थे, लेकिन उन्होंने सुनने का काम नहीं कर रहा था। इसी वजह से जो है ये छात्र जो है कुलपति के सामने कुलपति के रूम में मूर्छित होकर के गिर गया, जिसका कपार फट गया है। देख लीजिए खून देख लीजिए आप यहाँ पे पूरा जो है सो। उसके बाद तुरंत हम लोग जो है इसको उठा करके सेवा हॉस्पिटल लेकर के सेवा सर्जिकल हॉस्पिटल, वहाँ से जो है इसको रिजेक्ट कर दिया गया है और डीएमसीएच रेफर किया। और अभी तुरंत हम इसको डीएमसीएच लेकर आए हैं, लेकिन विश्वविद्यालय से कोई भी संस्कृत विश्वविद्यालय से कोई भी प्रशासन इसका शुद्धि तक लेने के लिए नहीं आया। एक घंटा हो गया है, ना ही बोल रहा है, ना ही कोई होश आ रहा है। इसको हम लोग तब से जो है तो अपना इस तरह से इसको इलाज करवाने के लिए डीएमसीएच के अभी इमरजेंसी में आए हैं। डॉक्टर साहब को इन्फॉर्मेशन दिया, अभी तुरंत पूजा कटा लिए हैं। अब देखिए विश्वविद्यालय प्रशासन अभी तक कोई प्रकार की जो है सर फोन तक नहीं पूछा कि क्या स्थिति में है, जिंदा है या मर गया है, कोई सुधि लेने के लिए नहीं। एम्बुलेंस गणेश छोड़ने के लिए आया था और आकर चढ़ा पर छोड़ करके सीधे भाग गया, उसके बाद से गणेश नहीं लेकर आया। हम लोग छात्र हैं, कहाँ से पैसा लगे, उसके बावजूद भी एक ऑटो वाले करके और अभी जो है जिसको हम लोग ऑटो से लेकर आए हैं डीएमसीएच। अब अभी इनका इलाज चालू होगा।